हेलो गाइस, तो क्या हालचाल, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने भाई के चैनल स्पाइडी में। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। दोस्तों, आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज इसी इंडिपेंडेंस डे के दिन हम बनाने जा रहे हैं इंडिया का सबसे बड़ा फ्लैग। आई थिंक किसी ने किया भी होगा तो वो मेरी अभी तक नजर के सामने नहीं आया, इसलिए मैं ही सबसे बड़ा बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मेरे पास सारा सामान है अपना तिरंगा बनाने के लिए, तो चलिए जल्दी से हम तिरंगा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे 50 ब्लॉक का एक पिलर बनाना है, तो जल्दी से मैं एक पिलर बनाता हूँ यहाँ की जगह 50 ब्लॉक का। तो यहाँ पर मेरा पिलर बन के पूरा रेडी हो चुका है 50 ब्लॉक का, तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है। एंड इसके बाद में हम 5-7 ब्लॉक के बनाने वाले हैं। फिलहाल तो अभी 5 ब्लॉक का, फिर उसके बाद में 2 ब्लॉक और हम ऊपर बढ़ा देंगे। ये 7 ब्लॉक की हम तीनों पट्टियां बनाने वाले हैं, केसरिया, वाइट एंड ग्रीन। तो जल्दी से मैं इन पट्टियों को ही बनाता हूँ, 1, 2 एंड इसके बाद में ये 3, 4 एंड ये 5। पर मैं इस वाली पट्टी को पूरे तरीके से भर देता हूँ जो भी होने वाली है 50 ब्लॉक की। मैंने सोचा था 100 ब्लॉक की बनाऊंगा, लेकिन अब 50 ब्लॉक की बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर अपनी ऑरेंज वाली पट्टी जो कि अपनी रेडी हो चुकी है, एंड टाइम है तो वाइट वाली पट्टी को बनाने का। तो जल्दी से हम यहाँ पर ब्लॉक लगा देते हैं जितने की अपने को वाइट पट्टी बनानी है। तो अब चलते हैं, जल्दी से बनाते हैं अपनी वाइट पट्टी को, पूरा एक्सटेंड करते हैं 50 ब्लॉक तक। एंड नाउ गाइस, यहाँ पर देखो अपने दोनों पट्टियाँ कितनी मस्त लग रही है, एंड मेरे को थोड़ी थोड़ी सी छोटी लग रही है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना 2-2 ब्लॉक और इनको एक्सटेंड कर दें, 5-5 ब्लॉक की है, इनको जल्दी से 7-7 ब्लॉक के लिए एक्सटेंड कर देता हूँ। एंड यहाँ पर ग्रीन वाली पट्टी भी के भी ब्लॉक लगा दिए हैं मैंने, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 ब्लॉक लगा दिए हैं। तो अब जल्दी से मैं इनको सबको एक्सटेंड करता हूँ और जल्दी से ये हरी वाली पट्टी को भी हम बना लेते हैं। एंड यहाँ पर फाइनल लुक देखो गाइस, यहाँ पर आखिरी लुक लगाया एंड ये देखो अपना तिरंगा बन के रेडी है। बस इसके बीच में भी अशोक चक्र बनाना है जो कि हम बहुत जल्द अभी बनाने वाले हैं। एंड ये रोंग साइड से, अभी उस वाली साइड से भी देखना, उस वाली साइड से भी अपना तिरंगा कितना ही मस्त लगने वाला है। एंड यहाँ पर देखो अभी अशोक चक्र बनाना है जो कि मैं अभी पूरा तरीके से बनाने वाला हूँ। एंड ये तिरंगा देखो गाइस कितना खतरनाक लग रहा है, एकदम मस्त। तो ये रही वाइट पट्टी, तो अब हम अपन बनाते हैं यहाँ पर अपना अशोक चक्र। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसा लगाते हैं एंड इसको यहाँ पर सेम ऐसा ही हम साइड में भी करने वाले हैं। एक ब्लॉक को तोड़ कर हम इसको लगाते हैं एंड इसे इसको तोड़ कर लगाते हैं ये वापस से अपने नीले वाले ब्लॉक को। ये बना, ये लगा अपना नीला वाला ब्लॉक। सेम अपन नीचे भी करने वाले हैं, इसको भी कवर करते हैं एंड इसको भी जल्दी से अपन कवर करके लगा देते हैं। एंड इधर के साइड में हम सेम ऐसे ही करने वाले हैं, इसको तोड़ा एंड इसको लगा, इसको तोड़ा एंड इधर लगा। एंड फाइनल लुक देखो गाइस, अपना तिरंगा पूरे तरीके से बन के रेडी है। हाँ, अशोक चक्र ठीक से नहीं बना, फिर भी ठीक तरीके से लग रहा है ये। एंड आप सभी लोगों को ये वाला तिरंगा कैसा लगा भाई, कमेंट करके जरूर से बताना। एंड यहाँ पर गाइस देखो, पिलर तोड़ने के बाद में ये कितना खतरनाक ओपी प्यारा सा लग रहा है भाई, एकदम हवा में लहराता हुआ। तो अब जल्दी से अब अपना ऑरेंज वाला पिलर था उसको बदल के अब अपने वाइट वाले पिलर करने वाले हैं, क्योंकि वो गलती से लग गए थे सारे ब्लॉक। तो जल्दी से मैं यहाँ पर 50 ब्लॉक का वाइट वाला पिलर बना लेता हूँ। Thank you.
एंड यहाँ पर फाइनल लुक देखो गाइस, यहाँ पर अपना तिरंगा कितना खतरनाक से लग रहा है। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये वाला तिरंगा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आज वाली वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।